बता तो चुकी हूँ सर, आप बार बार मुझ पर ही शक क्यों कर रहे हैं? मैंने अपना पति खो दिया है और आप दोनों मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। पंडित जी, मेरी बीवी की मृत्यु हो गई है, मुझे उसका पिंड दान करना है। मन का अहंकार और गलत फहमी अगर आपस में मिल जाए तो इंसान मकड़ी बन जाता है। वो साजिश का एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें वो एक दिन खुद बुरी तरह से फंसकर तड़पने लगता है। हेलो हिंदुस्तान, क्राइम फाइल्स प्यार इश्क और गुनाह की इस कड़ी में मैं पंडित आशुतोष कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो आज कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी औरत की है जिसके अहंकार और गलत फहमी ने उसे अपने ही स्वार्थ को उजाड़ने पर मजबूर कर दिया। योगिता, योगिता, योगिता सुनो, योगिता रुको, बात क्या है और इस तरह से गुस्सा होकर कहाँ जा रही है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। योगिता, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। तुम्हारी वो क्लास 3 वाली टीचर मुझसे सीधे वो बात ही नहीं करती। मैंने उसे बच्चों की मार्कशीट तैयार करने को कहा लेकिन वो मैडम तो बोली कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे सब पता है, उसे बस मुझे नीचा दिखाने में मजा आता है और कुछ नहीं। वो तो बहुत ही सीनियर टीचर। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे, उससे ज्यादा सुंदर है ना वो, तुम्हारा वो दिल आ गया होगा उस पर। अरे यार, तुम तो ऐसा बस बाल की खाल निकालने लगती। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसे बात करके उसे समझा दूंगी। मैं जब भी उसकी कंप्लेन करती हूँ तुम ऐसे ही बिहेव करते हो। प्रिंसिपल तो तुमने बस मुझे नाम की बना रखा है। मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, ऐसे मैं काम नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, कल से स्कूल मत आना। हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं जल्दी से जल्दी स्कूल से चली जाऊँ ताकि तुम उसके साथ जाकर गुलछर्रे उड़ा सको। जो जी में आ रहा है पकती जा रही हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम मत करो। शक और अहंकार की वजह से योगिता और उसके पति के बीच दूरियां बढ़ती गई। अगर दोनों अपना अपना अहंकार छोड़कर कोशिश करते तो शायद एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक सकते, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अपने पति कलिका सिंह से बदला लेने के लिए योगिता ने अपने ही स्कूल के जेंट्स टीचर गौरव पर डोरे डालना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपने जाल में फंसा भी। मे आई कम इन मैम? अरे गौरव आओ बैठो। यस मैम, बताइए क्या बात है। गौरव मुझे ये बताओ कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी लग रही हूँ? अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? मैम अब मैं क्या बोलूँ? अरे यार, मैंने ये साड़ी स्कूल के एनुअल फंक्शन पर पहनने के लिए ली है और इस फंक्शन पे मुझे अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी दिखना है। तो अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक गॉड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ब्लाउज का नेक थोड़ा और डीप होता तो अच्छा लगता। नहीं नहीं मैम, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे ये मैम मैम करना बंद करो और यहाँ आकर देखो कि मेरे ब्लाउज की फिटिंग पीछे से सही है ना। देखो अब कुछ बोलोगे भी या सिर्फ देखते रहोगे? फिटिंग एकदम सही है मैम, सॉरी योगिता। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। यही ना कि मेरी उसकी स्ट्रिप क्यों नहीं दिख रही। अरे बुद्धू, ऐसे ड्रेसेस में वो नहीं पहनी जाती। तो इसका मतलब तुमने अंदर? नहीं। Thank you.
अपने पति कलिका सिंह से बदला लेने के लिए योगिता ने गौरव के साथ प्यार का नाटक शुरू कर दिया था। हालांकि वह पति अभी भी कलिका सिंह को ही मानती थी। गौरव का इस्तेमाल तो वो बस अपने पति को जलाने के लिए कर रही थी, लेकिन करवा चौथ के दिन योगिता ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे पति पत्नी के रिश्ते के बीच गहरी दरार पैदा हो गई। 12 अक्टूबर 2013 को योगिता ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। चांद निकलने के बाद योगिता काफी देर तक अपने पति के घर आने का इंतजार करती रही। उसने कई बार कालिका का फोन भी ट्राई किया, लेकिन कालिका एक बिजनेस डील में बिजी था, इसीलिए उसने योगिता की कॉल रिसीव नहीं की। अपने पति की इस हरकत से योगिता अपना आपा खो बैठी और उसने गौरव को फोन लगाकर अपने घर बुला लिया। आओ गौरव, बैठो। क्या हुआ योगिता, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। खैर वो सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे करवा चौथ का व्रत खोलना है। तो कलिका सर कहाँ हैं? उन्हें मेरी परवाह होती तो वो कम से कम करवा चौथ के दिन तो घर पर समय से आते। इवन अब तो वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। खैर उन सब बातों को छोड़ो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें तो मेरी परवाह है ना? योगिता तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की जगह मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? चलो आओ। पर योगिता ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसमें अजीब क्या है गौरव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस मैं तुम्हें आज वो सारे हक देने जा रही हूँ जो एक पति के होते हैं। चलो आओ मेरे साथ। योगिता ये क्या कर रही हो तुम? ओ, मिल गई तुम्हें फुर्सत। वैसे किसके साथ करवा चौथ का व्रत मना के आ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए तो बहुत सारी टीचर्स ने व्रत रखा होगा, है ना? तभी तो तुम्हें मेरे व्रत की कोई कदर ही नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बिजनेस डील की एक अर्जेंट मीटिंग में था, इसलिए देर हो गई आने में। Do you understand that? ये बहाने किसी और के साथ जाके बनाना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाऊंगी। गौरव चलो। बस आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तुम्हारे और मेरे रिश्ते आज से खत्म। चलो गौरव। योगिता और कलिका का रिश्ता बस टूटकर बिखरने की कगार पर पहुंच चुका था और इसी बीच कलिका ने योगिता के साथ अपने संबंध खत्म करने का ऐलान कुछ ऐसे किया जिसके बारे में योगिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, आइए बैठिए। तो बताएं मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? पंडित जी मेरी बीवी की मृत्यु हो गई है, मुझे उसका पिंडदान करना है। तो आप पिंडदान की सामग्री साथ लाए हैं या व्यवस्था हमें खुद करनी होगी? नहीं पंडित जी, सामान वान तो मैं कुछ नहीं लाया, आप ही को सारी व्यवस्था करनी होगी। जो भी खर्चा होगा मेरे को बता दीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अपनी पत्नी योगिता का विधिवत पिंडदान करके जब कालिका घर लौटा तो योगिता उसे देखकर सन्न रह गई। हेलो
से आ रहे हो तुम और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हारा पिंडदान कर आ रहा हूँ। बताया था ना मैंने तुम्हें, मर चुकी हो तुम मेरे लिए। अरे योगिता को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जब मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों को कालिका की इस हरकत का पता चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी चिंता में डूबी योगिता ने उस रात चुपके से गौरव को फोन किया। इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है? मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, स्क्रू ढीला हो गया उसके दिमाग का। हुआ क्या है ये तो बताओ। जनाब आज आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पिंडदान करके आया हूँ। जब पूछा तो बोले तुम मेरे लिए मर चुकी हो इसलिए तुम्हारा पिंडदान कर दिया है। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी मेरी। तो अब तुम क्या करोगी? अरे यार इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो ये तुम्हारे घर का मामला है, भला इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वाजी वाह, और तुम मेरे कुछ नहीं हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना कच्चा प्यार करते हो। खैर तुम्हारा तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक बात और सुन लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट पे मैं तुम्हारा नाम लिख के जाऊंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरी बात सुनो। अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर योगिता ने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। कालिका सिंह को अपनी पीठ पीछे चल रही साजिश के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बदनामी से बचने के लिए योगिता ने ऐसी कौन सी चाल चली? अगर इस ब्लाउज का नेक थोड़ा और डीप होता तो अच्छा लगता, नहीं? बस आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम्हारे और मेरे रिश्ते आज से खत्म। अपने नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए योगिता ने 24 अक्टूबर की तारीख चुनी। उस रात योगिता ने अपने पति कालिका को रिझाने के लिए बेहद भड़काऊ कपड़े पहने। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पिछली सारी बातें भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। मैंने पिछली सारी बातें भुला दी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी पिछली सारी बातें भुला दें और मुझे माफ कर दें। कैसे नहीं बचा है? अगर हमारे बीच कुछ भी ना बचा होता तो मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में क्यों सजाती, आपके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में क्यों पहनती और यूं सज धज के अपना सब कुछ सौंपने के लिए यूं बेकरार क्यों रहती। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ
कितनी बार कहूं, I love you. अब यहीं खड़े रहोगी या अंदर भी चलोगे? चलो. योगिता के रूप जाल में फंसकर कालिका आने वाले खतरे को बिल्कुल भी भांप नहीं पाया. अच्छा, तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ. उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो. प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस. मैं अभी आई. इसके बाद योगिता कुछ देर अपनी अदाओं से कालिका को रिझाती रही और दवा के असर होने का इंतजार करती रही. फिर आखिरकार दवा ने अपना असर दिखाया और कालिका सिंह बिस्तर पर बेहोश हो गया. योगिता ने पौरव को फोन किया. वह तुरंत योगिता के पास पहुंच गया. दोनों ने बिना देर किए बेहोश पड़े कालिका सिंह का गला टीवी केबल के तार से कस दिया. कालिका के दम तोड़ते ही योगिता ने कालिका के सिर पर वार करके उसका सिर फोड़ दिया. इसके बाद इस मर्डर को लूट की घटना साबित करने के लिए दोनों ने घर के सामान को इधर उधर बिखेर दिया. इतना ही नहीं, योगिता ने गौरव से कहकर खुद को भी चोट पहुंचवाई ताकि पुलिस उस पर शक नहीं करे. कालिका की लाश देखकर पुलिस को लगा कि सिर फटने की वजह से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन जब कालिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना पता चली तो पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी. इसके अलावा पुलिस को घर में लूट होने का कोई सबूत नहीं मिला. इस वजह से पुलिस की शक की सुई योगिता की तरफ घूम गई. जैन सर. हाँ जैन मलेश, आओ बैठो. सर वो कालिका के मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई. अरे आ गई जी. हेलो. कुछ समझे क्या? सर मेन पेज तो यहीं फंसा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो कालिका की दम घुटने से मौत हुई है और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे. जी सर. एक काम करो मलेश. जी. योगिता मैडम को उठा. ठीक है सर. एक महीने तक चली लंबी छानबीन के बाद रायबरेली पुलिस ने आखिरकार कालिका सिंह के मर्डर के आरोप में योगिता को गिरफ्तार कर लिया. तो योगिता जी बताइए क्या हुआ था उस दिन? सर मैं आपको बता तो चुकी हूँ, उस दिन कुछ लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए. उन लोगों ने मुझे और कालिका को बहुत मारा, लेकिन फिर पता नहीं उन लोगों ने मेरे सर पे क्या मारा कि मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं. कमाल की बात है कि उन लोगों ने आपके पति को मारा और आपको जिंदा छोड़ दिया. इसके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ सर? आप ही बता सकती हैं सब कुछ.
ये बताइए कि आपने उसको मारा कैसे था। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सीधी सीधी यही बोलती है। लेकिन मैंने आपको बताया तो सर कि उन लोगों ने मेरे सर पे कुछ मार दिया। आपने जो बताया वो झूठ बताया अब तक। योगिता जी आप जो है हमें सच नहीं बता रही है। आप चाहते हैं कि हम कुछ और हथकंडे अपनाएं और आप सच बताएं? आप लोग मुझ पे गलत शक कर रहे हैं सर। शक करने की आदत तो आपकी भी बहुत है योगिता जी। ये गौरव कौन है? क्या संबंध है आपके गौरव से? गौरव सर ये नहीं बताएगी, ऐसे आसानी से ये बोलने वाली नहीं है। मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या हुआ था उस दिन? सर आप लोग वही क्वेश्चन बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कालिका को आपने ही मारा। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है वहां पे, मर्डर हो जाता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपके फोन रिकॉर्ड, ये सब बता रहे हैं कि आपने अपने पति का खून किया है। हाँ मैंने ही मारा है कालिका को। बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर था सर, बहुत सारी। मैंने कई बार उसे बोला लेकिन वो नहीं माना। मैंने ये सब कुछ प्लान गौरव के साथ मिलकर किया। इसने प्रोफेशनल तरीके से मारा उसको और जब से हमें बरगला रही थी। केस क्लोज्ड। भले ही गौरव ने योगिता के दबाव में कलिका सिंह की हत्या में उसका साथ दिया हो लेकिन उसका यह गुनाह माफी के कतई लायक नहीं। पुलिस ने गौरव और योगिता को सीजीएम दिनेश कुमार की अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। ये दास्तां आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। क्राइम फाइल्स प्यार इश्क और गुनाह सीजन 1 की एक नई कड़ी में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंदुस्तान।